वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। पशु व्यापारी से लूट करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर की थी लूट। चार तमंचे, 11 कारतूस और 6 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें, 14 जुलाई 2021 को थाना एका क्षेत्र में ईद से पहले एक पशु व्यापारी पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए रुपए लेकर जा रहा था। तभी सिकंदरा राव जाते समय मुस्तफाबाद रोड पर टाटा हैरियर गाड़ी में 7 बदमाश बैठकर आए और मैक्स गाड़ी में बैठकर जा रहे व्यापारी चंद्रभान को रोक लिया और उससे 10,50,000 रुपए से भरा बैग ले लिया और कहा कि हम क्राइम ब्रांच की टीम है और उसकी तलाशी ली। तो बैग में रुपए देखकर उससे रुपए ले लिए और लेकर फरार हो गए। लेकिन जब बदमाश चले गए तब व्यापारी चंद्रभान को पता लगा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी नहीं बल्कि ये बदमाश थे। तब जाकर उसने एका थाने में जाकर लूट की घटना का मुकदमा दर्ज कराया और लगातार थाना एका पुलिस, थाना रामगढ़ पुलिस और SOG की टीम ने 20 दिन इस पर काम किया। तब जाकर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बदमाश है मोना उर्फ यादवेंद्र, जिस पर पहले से ही 17 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों से 6 लाख रुपए तो बरामद किए हैं। वहीं बदमाशों के पास 4 तमंचे, 11 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। वहीं 7 बदमाशों में से 3 बदमाश अभी भी फरार हैं। इनके गैंग का जो सरगना है, इसका नाम संदीप उर्फ सिंघम है, जो अभी फरार है। वहीं इसमें मोना नाम के बदमाश का कहना है कि यह रुपया 2 नंबर का था, इसलिए पशु व्यापारी मुकदमा दर्ज नहीं कराएगा, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया और हम पकड़े गए। फिर से शेखर यादव की रिपोर्ट। अरे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, आखिर क्यों? क्या क्या समझते क्या हो? सुबह जब लूट करते समय तुम्हें पुलिस का डर नहीं लगता था? खौफ नहीं जरा सा? बिल्कुल खौफ था, लेकिन बात यह है कि अभी इससे पहले हम पे जो भी 5 मुकदमे लगे थे वो बिल्कुल झूठे थे और सिरसागंज पुलिस की तरफ से 3 मुकदमे नहीं, गुरु कोई नहीं है, वो थोड़ा जो भी है वो सिंगम ही है। कौन ऐसा था जिसने लगाए मुकदमे? 3 सर, विजय सर थे उस टाइम, विपिन दरोगा जी थे, जावेद खान। ये अब तो तुम तौबा करोगे अपराध से? हाँ, गुनाहों से तौबा करूंगा और जहाँ तक है पुलिस मित्र बन के रहने की कोशिश। अपराध करना पाप है, बताओ इनको। थोड़ा भाई देखिए, ये 14 तारीख को, 14/7 को एक पिकअप को लूटा गया था। ये 5 लोग थे उसको लूटने में, 2 मुखबिरी में थे। ये 3 गिरफ्तार हैं लूटने वाले, 1 गिरफ्तार है मुखबिरी वाले। इन लोगों ने ओवरटेक करके, वो पशु व्यापारी बकरी खरीदता था, उसके 10,45,000 रुपये इन लोगों ने हैरियर गाड़ी से ओवरटेक करके लूट लिए थे। और इसमें हम लोग बहुत परेशान रहे, कम से कम सैकड़ों लोगों को मैंने परीक्षण किया इसमें अपराधियों का, तब जाके कि मुझे परीक्षण में सफलता मिली इसमें। और इनसे बरामदगी हमारी 6 लाख रुपये बरामद हैं। अभी जो फरार हैं, 3 फरार हैं, उनके ऊपर भी 1.5 लाख रुपये सबके हिस्से मिले थे, वो 4.5 लाख रुपये भी मिलने बाकी हैं। 6 लाख की बरामदगी है। गाड़ी अभी हमारी नहीं मिल पाई है, वो जिसके पास है मुझे पता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम गाड़ी भी बरामद कर लेंगे। इस तरह से बहुत सटीक खुलासा, विश्वास पैदा करने वाला खुलासा हुआ है। इसमें विशेष योगदान ये यशो रामगढ़ का, यशो एका का और हमारी सर्वलांस की टीम विक्रांत का, इन लड़कों ने बहुत मेहनत किया। इस पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर करता हूँ इनके हौसला अफजाई के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि एक एक घटनाओं को हम लोग यहाँ खोलने में सफल होंगे। हाँ, अभी इसने बताया, जैसा सुना आपने, ये बताते थे कि मैंने पूछा तुमने कैसे किया, कहना था इसका कि सर पैसा नंबर 2 का था, तो हमें ये सूचना थी कि इसकी रिपोर्ट वो नहीं कराएगा। इससे पहले एक घटना इसके साथ हुई थी, इसने रिपोर्ट नहीं कराया था, तो उस भरोसे इन्होंने कि क्राइम ब्रांच बन कर बोलूँगा तो पैसा हमको दे देंगे और ये रिपोर्ट कहीं नहीं कराएंगे क्योंकि नंबर 2 का पैसा है। इन अभियुक्त के पास कुछ असलहे बरामद हुए सर? असलहे बरामद हैं इनके पास से 4 अदद तमंचे बरामद हुए हैं और 11 अदद जिंदा कारतूस है। चोरी की मोटरसाइकिल 2 अदद है और व्यापारी का लूटा हुआ 6 लाख रुपये है इनके पास से।